कैसा लग रहा है यहाँ से? देखो सूरज अब खुशता चला जा रहा है, शहर में डूबता चला जा रहा है। पूरा शहर बेसिकली यहाँ से पूरा शहर आप जब रात में जल महल को जिस तरह से लगता है, मानसागर लेक पे बना हुआ ये महल, यहाँ पे रात में थोड़ा सा मेरे को सेफ कम ही लग रहा है। इसे ये रियल है, ये नहीं है। राजा राम सिंह की 9 रानियाँ थी, वो यहाँ पे रहती थी। घूम लिया भैया जयगढ़ का किला, अब चलते हैं नाहरगढ़ की तरफ। नाहरगढ़ किला यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ से चल के देखते हैं चल के कि वहाँ भी सुना है कि अच्छा किला, तो वो भी घूम लेते हैं लगे हाथ, फिर देखते हैं, फिर चलेंगे। तो चलते हैं नाहरगढ़ के। ये रोड जो बनाया गया है वो बनाया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। आ गए भाई नाहरगढ़ फोर्ट, ये रहा मेरे पीछे नाहरगढ़। भाई इतना टाइम अंदर है नाहरगढ़ किले के, ऐसा बोलते हैं कि यहाँ के जो राजा थे, राजा जय सिंह द्वितीय, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था, लेकिन ये किला बन नहीं पा रहा था किसी भी कारणवश, ढह जा रहा था बार बार। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक नाहर सिंह नाम का एक राजपूत था, उसकी प्रेतात्मा यहाँ भटकती थी, जिस वजह से ये यहाँ पे बन नहीं पा रहा था। फिर जब कुछ लोगों की सलाह, जो यहाँ साधु महात्मा जो होते थे उनको बुलाया, उनसे पूछा गया, जब उन्होंने बताया किले का निर्माण उस नाम से कराया गया नाहरगढ़ के नाम से, तब ये किला बन के तैयार हुआ, ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो अब आगे इस किले को घूमते हैं, बताते हैं आगे क्या है। महल है बेसिकली पूरा, यहाँ पे राजा राम सिंह, सवाई राजा राम सिंह की 9 रानियाँ थी, वो यहाँ पे रहती थी। तो आइए उनका महल देखते हैं चल के। ये महल जो है वो थोड़ा आधुनिक रूप से बनाया गया है, और यहाँ पे महाराज जय सिंह ने इसको थोड़ा, अब इस किले पे आएंगे तो ये आपको नहीं लगेगा कि पुराने ज़माने का है। नीचे जो पत्थरों का यूज किया गया है, ये भी राजस्थान के ही पत्थर हैं। ये भाई देखो यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं, कई सारे ऐसे बीच में शीशे लगे हैं, इस पर ऐसा लगेगा पूरा महल ऐसे नहीं। अभी देखना, अब दिखाई देगा, ये देखो वो दिखाई दिया आपको, ये इस तरह से शीशों को डिजाइन कर रखा है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा। देखिए ये भी रियल नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है। जब भाई इसे पीछे शीशा लगा तो पता ही नहीं चलता कौन सा रियल है कौन सा नहीं है। कौन सा देखो, ये मेरे पीछे शीशा लगा, अब इस पर लग रहा समझ में आ रहा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब घेराबंदी कर रखे हैं ये लोग, कि ये तो ऐसे ना, अगर मान लो ऐसे कोई अगर आता है और ये ना हो तो पक्का निश्चित है कि वो टकरा जाएगा, कहीं ना कहीं से टकरा ही जाएगा ये लोग सामने वाले शीशे। ये भाई किचन बना हुआ है इनका, और ये चिमनी है ऊपर। ये किला थोड़ा मॉडर्न टाइप का, इधर ये फूल फूल ये टाइप का बना रखे हैं। इस किले की खूबसूरती छत पे आने, जब सब सब टॉप फ्लोर पे आते हैं तब इसकी खूबसूरती दिखाई देती है आपको, क्योंकि यहाँ से आपको व्यू पॉइंट मिलता है और आपको पूरा शहर दिखाई देता है। ये पूरा शहर यहाँ से, पूरा दृश्य है भाई बहुत खूबसूरत। देखो यहाँ से आप पूरा शहर देख सकते हो, ऑलरेडी इतनी ऊंचाई पर है, स्टनिंग व्यू है भाई बहुत तगड़ा। ये इधर बीच का है इधर, और ये आप कॉर्नर पर जाते हैं तो आपको पूरे सिटी का व्यू मिलता है।
देखो पूरा सिटी का व्यू और देखो भाई ये आ गया कॉल पूरा शहर प्रोटोकॉल है ऐसा बोलते हैं भाई कि जो राजा जयसिंह थे उन्होंने ये जो पूरा जयपुर शहर है इसकी अच्छा करने के लिए ये नाहरगढ़ किला बनवाया था क्योंकि ये सबसे ऊपर टॉप पॉइंट पे है और यहाँ से आपको पूरा शहर दिखाई देगा इस वजह से इसको यहाँ पे बनाया गया है कि यहाँ से पूरे शहर पे नज़र रखी जा सकती है अगर कुछ भी होता तब यहाँ से पूरे शहर पे नज़र रख सकता हूँ दिखाता हूँ ये देखो यहाँ पे देखते हैं ये पुराने ज़माने में चौगान का स्टेडियम हुआ करता था यहाँ पे राजा महाराजा खेला करते थे पोलो वगैरह ये देखो ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ये सिटी पैलेस की बिल्डिंग है आपको दिखाई दे रही है सिटी पैलेस और उसी के बगल पे आपको दिखाई देगा ये तिरछी वाली दीवार ये है जंतर मंतर यहाँ पे नौ ग्रह हैं नौ ग्रहों के लिए सब दिशा दशा के लिए यहाँ पे बना रखा है और उसी के आगे आपको शायद थोड़ा सा दिखाई दे रहा हो आपको दिखाई दे रहा होगा ये है हवा महल वहाँ से दिखाई देगा और यहाँ से देखेंगे ये ऐसा कहते हैं ये है सागर सोली इसको सागर सोली बोलते हैं कि यहाँ पर जो राजा थे यहाँ पर सरेआम बीच बाजार में फांसी दी जाती थी मतलब सूली में लटकाया जाता था बीच और आए पर लेकिन बाद में उसको बोल दिया कि नहीं यहाँ पे राजा लोग पतंग उड़ाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है ये यहाँ पे पूरा शहर बेसिकली यहाँ से पूरा शहर आप पे अपना नज़र रख सकते हैं इस वजह से ये बनाया गया था नाहरगढ़ का किला कि पूरे शहर पे नज़र रखी जा सकती है तो आप देख सकते हैं ये देखो ये झंडे जो 5 कलर होंगे ऐसे बोलते हैं राजा मानसिंह के ये 5 झंडे हैं जो मिडिल ईस्ट एशिया से फतेह करके आए थे तो ये है राजा मानसिंह के उसमें 5 झंडे लगे 5 कलर हैं उस झंडे पर हमें कैसे लग रहा है यहाँ से हाँ अच्छा लग रहा है देखो कितने ऊपर कितनी ऊंचाई पे हो तुम बहुत ऊँचे हो नीचे शहर देख के कैसा लग रहा है यहाँ का सनसेट बहुत फेमस है तो सनसेट दिखाता हूँ ये देखो मेरे पीछे ये यहाँ सब सूरज डूबने वाला है यहाँ सनसेट देखो आपके और क्या खूबसूरत नज़ारा है सनसेट अब देखो सूर्यास्त तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है नीचे देखो भाई यहाँ का बिल्कुल सनसेट ये शहर के बीच देखो सूरज अब खुलता चला जा रहा है शहर में डूबता चला जा रहा है भाई नाहरगढ़ का किला बहुत अमेजिंग व्यू है आपको तो शाम को टाइम आपको मस्ट यहाँ पे आना चाहिए बहुत अमेजिंग व्यू है पूरा शहर दिखाई देता है यहाँ से तो वो दोस्तों हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि अभी हमको जाना है अभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे सनसेट बहुत ही खूबसूरत होता है सनसेट देखने के लिए ही लोग मोस्टली यहाँ पे आते हैं शाम को तो मोस्टली जो विजिटर्स हैं यहाँ पे वो शाम को ही आपको दिखाई देंगे तो चलते हैं बेसिकली जो पूरा ये शहर है वो अरावली पहाड़ियों को चारों तरफ अरावली पहाड़ियों बीच में ये शहर बसाया गया है तो और ये नाहरगढ़ किला सबसे टॉप फ्लोर पे आपको टॉप पे सबसे लेके आते हैं निकला है भैया फोर्ट के बाहर अब मम्मी हमारी तैयार मम्मी चला जाए हाँ अब मम्मी हमारी तैयार हो गई बैठ गई अब आ गए हैं बाहर अब चलते हैं यहाँ से अब नाहरगढ़ से वापस आते हैं तो जो अगल बगल के क्षेत्र है ये नाहरगढ़ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है मतलब अभ्यारण्य है यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु भी हैं पेड़ पक्षी हैं सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे रात में थोड़ा सा मेरे को सेफ कम ही लग रहा है इस वजह से शाम होते ही मैं निकल आया शाम होते ही निकल जाएं तो वो ज़्यादा सही है चलते हैं उतर आए भाई पहाड़ी से नीचे नाहरगढ़ किले से अब जाते टाइम देखो जो आपको दिन में दिखाते हैं रात का व्यू एक बार एक एक नज़ारा में दिखाता चलता हूँ आपको ये रहा जल महल में रात में कुछ इस तरह से रहता है वो जल महल को मैं दिखाता हूँ रात में जल महल कुछ इस तरह से लगता है मानसागर लेक पे बना हुआ ये महल बहुत ही खूबसूरत प्रतीत होता है जब आप रोड से मैं तो यहीं पर रोड ये स्कूटी खड़े मैं तो यहाँ से रात का कुछ इस तरह का नज़ारा अब आगे चलते हैं आगे हवा महल दिखेगा उसको भी दिखाता हूँ ये देखो भाई मेरे पीछे ये रहा हवा महल क्या खूबसूरत नज़ारा है यार पीछे गजब दिन का मैं दिखा चुका हूँ कल आज पिछले वाली वीडियो पे आज ये रात में देख लो रात में किस तरह का लगता है हवा महल देखो ये बीच में रोड है उस साइड में पूरा बना हुआ है We're gonna be two hearts.
ये देखो भाई आते आते देखो रास्ते में सुबह दिखा रहे ना अल्बर्ट म्यूजियम हॉल, देखो रात कितना खूबसूरत लग रहा है। आए भैया स्कूटी जमा कर आदि, उन्होंने स्कूटी चेक करी और पूरा सही थी स्कूटी, सब कुछ सही था। उन्होंने बोला कम से कम यार तुम 150-200 किलोमीटर चला लिए दो दिन में। उन्होंने कहा जो सुबह से लेकर शाम तक तो घूमेंगे तो चलेगी ही वो, तो अभी स्कूटी जमा करा दी, अब जाऊंगा वापस अपने होटल। तो देखते वैसे मैं सोच रहा हूँ, वैसे ऑप्शन है कि मैं रैपिडो से निकल जाऊँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा पैदल भी चलता हूँ यार, स्कूटी से घूमना थोड़ा पैदल पैदल चल के, क्योंकि शहर घूमने का मज़ा ना भाई, अगर तुम रियल में अगर सिटी देखने जाओ तो रात में निकलो पैदल, उसका अलग मज़ा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पैदल पैदल जाता हूँ, जा रहा हूँ भाई। वो रास्ते में मिल गया वो पाइनएप्पल वाला, मैंने कहा पाइनएप्पल ले लेता हूँ अब, लेकिन अब आगे पैदल पैदल निकलूँगा थोड़ा रास्ते का मज़ा लेता हूँ। और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद, जय हिंद।